बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सीधा डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। डायरेक्ट लिंक से नहीं आना चाहते तो आप ब्राउज़र में अपना ओपन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे सी जी व्यापम। सर्च करने के बाद फर्स्ट में आपको लिंक दिखेगा, ये देखिए, इसी में क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम फर्स्ट में दिखेगा, इसमें क्लिक करेंगे। और अगर नोटिस भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिस, इंस्ट्रक्शन, सिलेबस सभी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पर देखिए 8 नंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करूँगा। इतना करने के बाद यहाँ पर यस और नो में देना है। यहाँ पर क्या आप भारत के नागरिक हैं, यस। क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं, तो यस। आप नहीं होंगे तो नो करेंगे, नहीं तो यस। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, क्या आप नर्सिंग में प्रवेश के लिए लगते हैं, तो यहाँ पे यस। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो 40 KB से 60 KB के बीच में अपलोड करनी है, तो यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइल में आने के बाद यहाँ से मैं जैसे कि एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ से अपलोड करूँगा। यहाँ पे चेक बॉक्स में यस करूँगा। इतना होने के बाद यहाँ पर देखिए सेकंड में सिग्नेचर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये भी 20 से 40 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पे अपलोड, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करेंगे और यहाँ पर 10th की मार्कशीट में जैसा आपका नाम है वैसे यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। सब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी ST SC OBC। यहाँ पर फिर इस वाले ऑप्शन में क्लास में अदर, अगर आप फ्रीडम फाइटर या सैनिक होंगे, सैनिक वर्ग से होंगे, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनॉरिटी अगर होगा तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पर इनकम, तो आप APL कार्ड होगा या BPL कार्ड होगा तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं क्या, तो यहाँ पर अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते हैं तो उसको ब्लैंक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस अपना इंटर करेंगे और यहाँ से पूरा एड्रेस भर के, मैं इतना देखिए यहाँ पर एड्रेस आप अपना जो भी एड्रेस होगा उसको यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर फिर पिन कोड इंटर करेंगे। पिन कोड इंटर करने के बाद रीजन में यहाँ पर शहरी या ग्रामीण जो भी है आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। जैसे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे फिर यहाँ से आप ईमेल आईडी आप अपना ईमेल आईडी यहाँ से इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट एग्ज़ाम, इतना डिटेल्स के बाद यहाँ पर आप एग्ज़ाम सेंटर, जिस भी यहाँ पे जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं आप, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम सेंटर डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे में स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर कैप्चा होगा। यहाँ देखिए जो सामने में आपको दिख रहा होगा वही कैप्चा यहाँ पे फिल करना है आपको। इतना करने के बाद यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे तो अगर आपको कुछ मिस्टेक होगा तो यहाँ से उसको यस और नो का ऑप्शन, अगर कुछ छूटा रहेगा तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। पूरा डिटेल चेक करने के बाद यहाँ से सबमिट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स आएगा आपको ऊपर में कि आप एडिट नहीं कर सकते, अगर एडिट करना होगा तो यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा। अगर आपका सभी डिटेल्स आपको सही होगा तो यहाँ से आप कंटिन्यू सबमिट करेंगे, नहीं तो यहाँ से आप बैक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, वापस जाएंगे ऑप्शन में क्लिक करके बैक हो जाएंगे
उसके बाद जो भी आपको एडिट करना होगा वो एडिट करने के बाद यहाँ से आप कन्फर्म सबमिशन में क्लिक करेंगे। कन्फर्म सबमिशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वहाँ पर प्रिंट पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा। और याद रहे कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है इसको नोट कर लेंगे। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बाद में अगर आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं तो भी प्रिंट कर पा सकते हैं। यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद तो यहाँ पर पूरा डिटेल चेक करने के बाद सबमिट करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा आपको इसके लिए। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रहा है।